सपोर्ट करने के लिए है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं और बस राम के साथ और सोनम के साथ सबके साथ खड़े हैं यहाँ रिस्पॉन्स देखने के लिए। जो लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने फील किया मूवी देखने के वक्त और जो उनको लगा, वो जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। और कल का स्क्रीनिंग बहुत ही अच्छा था, लोगों को बहुत बहुत पसंद आया। जावेद साहब थे, बहुत सारे दिग्गज लोग थे, तो बहुत मज़ा आया। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक के जब रोज़ जो रिएक्शन मिल रही है और जो एनर्जी मिल रही है लोगों से, बहुत पॉजिटिव है और अच्छी है। सर अगर बात अगर म्यूजिक की करी है तो सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है फ्रॉम इट? मेरा फेवरेट सॉन्ग खुशबू खुशबा है, गहरा इश्क, गहरा इश्क। फिल्म की कोई ऐसी बात जो आपको बेहद पसंद आई हो? बहुत ऑनेस्टी है फिल्म में, बहुत ऑनेस्टी है। एक सच्ची कहानी है, नीरजा भानोट की कहानी है और बहुत खुशी होती है कि नीरजा भानोट पर फिल्म बनी है। बहुत बहुत साल हो गए, लोगों को पहले बनानी चाहिए थी लेकिन आज बनी है और पूरे विश्व में लोग देखेंगे तो बहुत खुशी हो रही है। एंटी इंडियंस लोग हैं हम यहाँ नीरजा भानोट की बात कर रहे हैं, उनकी ब्रेवरी की बात कर रहे हैं। और आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ये ऐसी महिला थी जो जिन्होंने जान पे खेल के लोगों की जान बचाई है। तो आई थिंक वी ऑल आर रियली प्राउड एंड ऑनर्ड टू प्रेजेंट नीरजा एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइस। मैं नीरजा को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी फॉर सोनम एंड माय डियर फ्रेंड्स अनिल कपूर, सुनीता कपूर, अतुल कसबेकर। आई एम हियरिंग फैबुलस रिपोर्ट्स अबाउट द फिल्म और मैं तो थिएटर में जाके देखने वाली हूँ आज। मैं सिर्फ बेस्ट ऑफ लक एंड आई हैव कम टू गिव माय गुड विशेस। ऐसी बायोपिक जब मुझे ऐसी कोई स्टोरी मिलेगी, अब मैं अपने ऊपर ही बायोपिक बनाने वाली हूँ।
अभी क्या बोलेगा मेरे, मैं अंदर जा रहा हूँ। थैंक यू सर।